channel Medicine Entertainment. Guys, ito po ang naya. Mr. Kasi, hi, Kas. Hi. Hi, di ko nun eh, hi, bol diya. Okay. Guys, abhi main ja rahi hu ek interview hai jo bahut hi acha hai aur wo guys hai Bandra mein. और आप बिलीव नहीं करोगे जो वो इंटरव्यू जो है वो किसकी बिल्डिंग में है, किसकी बिल्डिंग में है. सरप्राइज, यस गाइस, सलमान खान की बिल्डिंग में है. और जिस बिल्डिंग में सलमान खान जी रहते हैं मैं उसी बिल्डिंग में जाके शूट कर रही हूँ. तो मैं आज आपको सलमान खान जी की बिल्डिंग दिखाती हूँ, हो सकता तो घर भी दिखा सकती हूँ. लेट्स सी. ओके गाइस, चलो फिर मैं चलती हूँ और आज का मैं नया ब्लॉग शुरू करती हूँ. गाइस, आप सब लोगों का दिन शुभ हो और हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर. तो लेट्स गो. फाइनली मैं स्पॉट पहुंच गई हूं और अभी मैं मेरा कपड़ा प्रेस हो रहा है थोड़ा सा. नहीं वैसे तो मुझे यही पहनना है, सो अभी प्रेस हो रहा है. और गाइस, सबसे बड़ी बात हाईलाइट, ये सलमान खान की बिल्डिंग है. और वो कौन से फ्लोर में रहता है सलमान? ग्राउंड. अच्छा, हाई अरिंज यू है हेयर ना? जी. ओके ओके, सो आई हैव दैट एक्सटेंशन इन साइड द बैग. आकाश, बैग से निकालो एक्सटेंशन ब्लैक, उसमें रेड. आई नीड द कर्ल्स एंड ऑल, चाहिए थोड़ा मुझे वो. अरे वो डिब्बा निकालो बड़ा वाला. हाँ ये इसमें देखिए हेयर वो है, इसे कर्ल्स करने हैं थोड़ा सा. अच्छा, टॉन्ग है क्या? बिकॉज इन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था हेयर कैरी करने के लिए. आई हैव ओनली ब्लो ड्रायर. सिर्फ हेयर एक्सटेंशन है, बस उनको लगाना है. वो तो मुझे भी आता है. मैं ये एक्सटेंशन लगाना इज व्हाट मैंने बोला था, मुझे हेयर चाहिए. वो हेयर का उनको बोला पूरा सिस्टम है यहाँ पे. तो टोंग वगैरह आप लेके नहीं आए? नहीं, मैं उनको बुलाता हूँ. उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि इसको टोंग. प्लीज, किसको बुला रहे हो आप? जो जिसने मुझे बोला था ना कि सिर्फ लगाना है, उसको बुलाना है. अरे लगाना तो मुझे भी आता है. ओह गॉड गाइस, दिस इज द प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट द सॉल्यूशन. चलो गाइस, अभी पहले व्यू देखो आप, कितना सेक्सी व्यू है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लान. एक मिनट, बीच इंडिया अप इंडिया और इम्तियाज. हाय गाइस, दिस इज इम्तियाज, इज अ वेरी गुड हेयर स्टाइलिस्ट. And come here, now this beautiful girl is here. My God, what's Mahak, na? Mahak, are you into production? No, I'm a set designer. Set designer. अगर ऐसी set designer होगी तो कितना लोगों का मन लगेगा जो वहाँ पे. This is very hard work, hardworking woman and बहुत ही अच्छा nature भी है. This is helping a lot. Thank you so much, Intiaz. Thank you. आपने बहुत अच्छा किया है. मेरा पूरा look change कर दिया. Yes. फाइनली
हाय गाइस, सो अभी ये आपने पूरा मेरा शूट का जर्नी देखा और ये टॉक शो है जिसे आपने देखा होगा कॉफी विद करण, बहुत सारे टॉक शो देखे होंगे तो ये कुछ वैसा ही है। और ये शो आएगा लेकिन मैं इसकी जो कन्वर्सेशन मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी रिलीज नहीं हुआ है। सो ये पूरा मेरा शूट था और बस मैं भी निकल रही हूँ घर के लिए। सो लेट्स गो। गाइस, सूट वॉज अमेजिंग, सूट बहुत प्यारा था और मुझे इतना अच्छा लगा। इज अ प्रेम डायरेक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी सी फिल्में बनाई हैं, जैसे कि मिस्टर मिसेस खन्ना जो आपने देखी होगी फिल्म, करीना कपूर एंड सलमान खान। और सबसे हाईलाइट आज हम लोग सलमान खान की बिल्डिंग में ही सूट कर रहे थे और काफी पुलिस थी बाहर, जो मुझे पुलिस भी दिखी वहां पे और वॉचमैन तो होंगे आपको, सलमान खान का घर था। बहुत अच्छा लगा। प्रेम सर इज अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बॉस इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो आपने पूरा शूटिंग देखा होगा मैं कैसे बात करती हूँ। ये बहुत बड़ा शो है जो अभी ऑन एयर होने वाला है, तो आपको देखने मैं उसकी क्लिपिंग्स डालूंगी। फिलहाल तो मैं अभी ज्यादा कुछ इस शो के बारे में नहीं बताऊंगी, बट समझ लो जैसे कॉफी विद करण है टाइप का शो है। एंड जो काफी ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो इंडिया में जो बहुत छुपे हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मीडिया के सामने आना है, जिनको यू नो अपनी जर्नी एक्सप्लेन करनी है। ये शो अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, कि उसके बारे में शो है। तो आई थिंक सो कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मैं बोल सकती हूँ कि ये इंडिया का पहला ऐसा शो है जो इतना बड़ा डायरेक्टर ऐसे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज जो हमारे इंडिया के अंदर है उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है और काफी लोगों को उससे एक्सपोजर मिलेगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि मीडिया सिर्फ उनको कवरेज करती है जिन्होंने यू नो फिल्में की हैं, बड़े बड़े शो किए हैं, ये किए हैं, वो किए, लेकिन कभी ऐसे जो अनोन पीपल हैं जो जिन्होंने काम किया, मेहनत किया, बट इतने एक्सप्लोर नहीं हुए दुनिया के सामने, तो वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है शो के माध्यम से। सो ये शो बहुत ही बड़ा सक्सेस होने वाला है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनको अप्रिशिएट करें और उनको इस जो एक नई जर्नी है उस जर्नी में आप उनकी हेल्प करें। तो गाइस थैंक यू सो मच, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? आई थिंक सो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। शूटिंग का बैक क्या बोलते हैं बिहाइंड द सीन वाला कॉन्सेप्ट था पूरा, और बहुत अच्छा था। तो ये छोटा सा जो भी ब्लॉग है शायद आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर माय वीडियोस ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं भी थोड़ा सा अपने चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ। सो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। ओके गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय।